morning, students. How are you all? This is our English class. So today we are going to learn write after letter. आज हम क्या लिखना सीखेंगे? After letter. After letter means यहाँ पर जो भी letter लिखा हुआ है, यहाँ पर जो भी letter लिखा हुआ है, हमें उसके just बाद वाला letter लिखना है. ठीक है, इसे कहते हैं after. After means बाद में. ठीक है, जैसे हमने maths में किया था ना, after number, जो भी number लिखा था उसके बाद वाला, सिर्फ वैसा ही है after letter. जो भी letter लिखा उसके जस्ट बाद वाला हमें लिखना है. ठीक है, सबसे पहले देखिए हम हमने कहां से कहां तक की अल्फाबेट तक की है, ए से लेकर एच तक. तो देखिए हम ये लिख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच. ठीक है, अब देखिए कैसे करना है. सभी को आपको ये लेटर आइडेंटिफाई करना आते हैं, अच्छे से पहचानना आते हैं. तो बताइए सबसे पहले ये क्या लिखा है, टेल मी क्या लिखा है, ए. ठीक है, ए के जस्ट बाद में कौन सा आता है, देखिए ये हमने लिखा ए, ए के बाद में बी. तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, बी. हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी फॉर बॉल. ठीक है, ये ए फॉर एलिफेंट और ये सॉरी ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल. ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, टेल मी सी. देखिए सी के बाद क्या आएगा, ये लिखा सी, सी के जस्ट बाद में क्या है, डी, डी फॉर डॉग. तो सी फॉर कैट के बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी फॉर डॉग. ठीक है, अब ये है जी फॉर ग्रैप्स. क्या है ये, जी फॉर ग्रैप्स. ये देखिए ये रहा जी फॉर ग्रैप्स. जी फॉर ग्रैप्स के जस्ट बाद में क्या है, अफ्टर लेटर कौन सा है, एच फॉर हैम. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एच फॉर हैम. ये हमारा अफ्टर लेटर यहाँ पर कंप्लीट होगा. अब इधर ये क्या लिखा है, टेल मी बी फॉर बॉल. ये हमारा बी फॉर बॉल. बी फॉर बॉल के जस्ट बाद में क्या लिखा है, यहाँ पर सी फॉर कैट. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी फॉर कैट. ये बी फॉर बॉल का आफ्टर लेटर हो गया सी फॉर कैट. अब ये है ई फॉर एलिफेंट. अब ये देखिए ई फॉर एलिफेंट, इसके जस्ट बाद में एफ फॉर फिश. हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ फॉर फिश. ठीक है, अब ये एफ फॉर फिश. तो एफ फॉर फिश का आफ्टर लेटर ये है एफ फॉर फिश. एफ फॉर फिश का आफ्टर लेटर जी फॉर ग्रास. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जी. ठीक है, आफ्टर लेटर मीन्स जो भी यहाँ पे लेटर्स लिखे हैं उसके जस्ट बाद वाला जो अपर लेटर है होगा तो वो होगा हमारा आफ्टर लेटर. यहाँ पे लिखा ए, ए के बाद क्या आता है, ए के बाद आता है बी. हमने यहाँ पर लिखा बी. ठीक है, फिर ये सी, सी के बाद क्या आता है, डी. हमने लिखा डी. ये है जी, जी फॉर ग्रैप्स. इसके बाद भी क्या आता है, एच फॉर हैन. हमने लिखा एच फॉर हैन. ये बी, बी फॉर बॉल. बॉल के जस्ट बाद में क्या आता है, सी. ये है सी फॉर कैट. ई फॉर एलिफेंट, इसके जस्ट बाद में आता है एफ फॉर फिश. हमने यहाँ पर क्या लिखा, एफ फॉर फिश. फिर ये एफ फॉर फिश यहाँ पे भी लिखा है नीचे. एफ फॉर फिश के जस्ट बाद में क्या आता है, जी फॉर ग्रैप्स. तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, जी फॉर ग्रैप्स. सो स्टूडेंट्स, ये है आफ्टर लेटर. आपको सेंड करेंगे क्लास वर्क की कॉपी में.